हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। वेंसडे को यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स की अनाउंसमेंट की, जिसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट 0.75% की बढ़ोतरी की गई है। यूएस फेड ने इस साल तीसरी बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75%, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और इसका इंडिया पर क्या असर होने वाला है। क्या इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यूएस फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को 3-3.25% की रेंज में ले आया है। बैंक ने ये भी संकेत दिए कि ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है। वेल, इसके पीछे रीजन है कि यूएस में महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड पर है। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। अनुमान है कि साल 2023 तक इंटरेस्ट रेट को 4.6% तक ले जाया जा सकता है। तो अब ये समझते हैं कि इसका इंडियन मार्केट पर क्या इफेक्ट होने वाला है। इंडियन मार्केट में इसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। मार्केट की चाल कुछ धीमी ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडियन रुपए में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। आज यानी 22 सितंबर को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर 80.47 रुपए पर खुला है। इससे पहले वेंसडे यानी 21 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे गिरकर 80 के स्तर पर बंद हुआ था। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से वहां की जो करेंसी है यानी डॉलर है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे डॉलर के अगेंस्ट रुपया जैसी दूसरी करेंसीज की वैल्यू घट जाती है। दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल लेते हैं, जिसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट पर दिखने लगता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि करेंसी का उतार चढ़ाव कैसे तय होता है। तो इसके कई कारण होते हैं। डॉलर के अगेंस्ट किसी भी करेंसी की वैल्यू कम होने को करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर देश के पास फॉरेन करेंसी का भंडार होता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंडक्ट की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के घटने या बढ़ने से उस कंट्री की करेंसी की मूवमेंट डिटरमिन होती है। जैसे हमारे पास अगर डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा और बढ़े तो रुपया मजबूत हो जाएगा। इंडियन रेपो रेट को अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसमें सेकंड ये आता है कि जैसे ही अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, वैसे ही इंडिया में आरबीआई इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसके बाद बैंक्स लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। यानी कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर जो भी आपकी ईएमआई चल रही होगी, वो आपको ज्यादा चुकानी होगी। 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को 0.25 से 0.35% से बढ़ाया जा सकता है, जो कि पहले भी ये बढ़ोतरी की जा चुकी है। अगर आरबीआई अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद रेपो रेट को नहीं बढ़ाता है, तो देश को काफी नुकसान हो सकता है। अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट रेट में गैप बढ़ने से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, देश में विदेशी इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाएगी, और जब विदेशी निवेशक पैसा निकाल लेंगे तो रुपए में भी कमजोरी आ जाएगी। यही कारण है कि आरबीआई को यूएस फेड के तुरंत बाद अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है, ऐसे में भारत में भी महंगाई रेट बढ़कर 7% तक पहुंच चुका है। यह अगस्त महीने का डेटा है। अब बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कैसे रुकती है महंगाई। इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम रह जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। डिमांड बढ़ने के पीछे कारण लिक्विडिटी का ज्यादा होना भी है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा पैसा खर्च भी करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। एक अच्छी डिमांड जीडीपी ग्रोथ के लिए बढ़िया होती है, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, लोन पर रेट्स बढ़ जाते हैं,
ताकि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे इनफ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल गुड रिटर्न्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।